रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले। नमस्कार, रसोई के रहस्य के लिसनर्स कंट्रीब्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार के जो हमारे लिसनर एक्सपर्ट है वो है कविता देसाई। ये बैंगलोर से हैं और इन्होंने हमारे साथ बहुत सारी आजमाई हुई छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स शेयर किए हैं, किस तरह से वो अलग अलग तरीके से अपना काम आसान बनाती हैं, अपने किचन में काम आसान बनाती हैं और नए नए तौर तरीकों को लेकर अपनी जिंदगी को आसान बनाती हैं। तो आप भी सुनिए और देखिए आपके कुछ काम आता है ये। हाय फ्रेंड्स, मैं कविता आज आपके साथ थोड़े से यूजफुल किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टिप। आप जब भी पूरी बनाइए, अब उसमें एक या दो टीस्पून सूजी ऐड कीजिएगा और साथ में एक दो टीस्पून ऑयल भी ऐड कीजिएगा, जिससे आपकी पूरी जो है बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। दूसरी टिप है, जब हम धनिया और फुदीने की चटनी बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसका कलर बरकरार रखने के लिए उसमें हम एक से दो टीस्पून लेमन जूस डालेंगे, तो उसका जो कलर है ग्रीन कलर वो ऐसे ही बरकरार रहेगा और टेस्ट भी बहुत बनेगी चटनी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी टिप है, जब अक्सर हम कोई सब्जी बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है उसमें नमक थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है या फिर थोड़े से मसाले ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब सब्जी हो जाए उसके बाद जब गैस आप बंद कर रहे हो उसके पहले एक या दो टीस्पून मिल्क की क्रीम फ्रेश है वो डाल सकते हैं या फिर फ्रेश दही भी डाल सकते हैं और इमीडिएटली बंद कर दीजिएगा, क्योंकि दही डालने के बाद वो गर्म हो जाएगा तो वो हो सकता है फट भी जाए दही उसमें सब्जी में। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे सब्जी हो जाए उसके पहले ही डालिएगा और फिर गैस बंद कर दीजिएगा, उससे क्या होगा आपका जो नमक या मसाला जो भी ज्यादा उसमें है वो सब उसको बैलेंस कर देगा। अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे की टिप बता रही हूँ मैं। नींबू अक्सर फ्रिज में हम रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से टिकाऊ रखने के लिए जब भी हम एक डिब्बे में उसको रखते हैं उसके पहले एक पेपर टिश्यू रख दीजिएगा नीचे, उसके बाद एक प्लास्टिक कवर में नींबू रख के उसके बाद ढक्कन बंद करके रख दीजिएगा, तो नींबू आपके जो है वो बहुत दिनों तक अच्छे ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, फ्रूट्स की तरफ आते हैं थोड़ा सा। केले हम जब बाहर से लेकर आते हैं अक्सर देखते हैं कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और गर्मियों में तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से फ्रेश थोड़े दिन और रखने के लिए केले जब घर लेकर आए कच्चे हुए तो भी चलेगा, आप उसको डंडी से निकाल ले, काट ले, एक एक करके डंडी से निकाल के काट के अलग अलग रखे, तो केले जो है वो बहुत दिनों तक अच्छे रहते हैं, मतलब एक दो दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे और जल्दी नहीं खराब हो जाएंगे। आगे की टिप है, अक्सर कभी कभी देखा गया है कि जब हम कांच का ग्लास जो है उसमें गर्म दूध या गर्म पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है वो जल्दी से टूट जाता है, तो ये न टूटे उसके लिए पहले कांच के ग्लास में एक स्टील की स्पून रख दीजिएगा, उसके बाद उसमें जो भी गर्म दूध या पानी आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, ऐसा करने से आपका ग्लास जो है वो टूटेगा नहीं और ऐसा ही रहेगा। आगे की टिप है आलू के बारे में। आलू हम जब भी काटते हैं ऐसे ही काटेंगे आप तो वो काले हो जाएंगे, तो वो काले न हो और फ्रेश ही रहे उसके लिए आपको आलू पहले पानी में भिगो दीजिए, दो तीन बार उसको अच्छे से पानी में भिगो के धो लीजिए, उसके बाद जब उसकी सब मिट्टी सब निकल जाए तो बिना छिलके ही आप, अच्छा छिलका अच्छा है तो क्लीन है तो, अगर छिलका अच्छा नहीं तो आप निकालना चाहिए क्योंकि मिट्टी वाला छिलका है तो निकलना चाहिए, पर अगर छिलका स्मूथ और अच्छा ही है तो आप छिलके के साथ ही पानी में काटिएगा पीसेस आलू के, ऐसा करेंगे तो जो आलू का जो न्यूट्रिएंट्स है वो छिलके में ज्यादा होता है तो वो भी बरकरार रहेगा जब सब्जी बनाएंगे तब, और साथ में आलू जो है काले भी नहीं होंगे और फ्रेश के फ्रेश ही रहेंगे। अभी और भी आगे बढ़ते, ये बहुत ही अच्छी टिप है, मैं अक्सर ये करती हूँ।
और आपको लोगों को बहुत पसंद आएगी। जब भी हम इलायची यूज करते हैं तो इलायची का जो छिलका है वो हम फेंक देते हैं, तो इलायची का जो छिलका है, इलायची के जो सीड्स है वो यूज करने के बाद इलायची का छिलका है वो फेंकेगा नहीं। उसको क्या करना है, चाय की जो पत्ती है, चाय की पत्ती में डाल दीजिएगा। जब भी आप चाय बनाएंगे साथ में ये छिलका भी डालेंगे तो जब भी चाय पियेंगे तो उसकी जो खुशबू है, इलायची की खुशबू, वो चाय में भी आ जाएगी और आपको बहुत मजा आएगा पीने में भी। चलिए फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। अभी जब भी आपको फुलके बनाने हो सॉफ्ट, तो जब भी आप डॉफ बनाएंगे ना, गूंदेंगे, उसमें 1-2 टीस्पून ऑयल डाल दीजिएगा और फिर आटा गूंदिएगा और उसको एटलीस्ट 1/2 घंटे तक रखिएगा ऐसे ही। उसके बाद ही आप रोटी बनाइएगा तो आपकी जो रोटी है बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और फुलेगी। अभी आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत अच्छी टिप है, ये मेकअप बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, लगता है मुझे कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। अक्सर हम नींबू का रस, नींबू जब यूज करते हैं, नींबू का रस निकालने के बाद नींबू जो है उसका छिलका फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। आप जब भी नींबू का रस निकाल ले नींबू से, तब नींबू जब आपके पास हो, थोड़े से नींबू हो छिलके उसके, तो उसको काट दीजिएगा। बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं, एक नींबू है तो उसके 8 टुकड़े कर सकते हैं, या छोटा नींबू है तो उसके 4 टुकड़े कर सकते हैं, वो जो छिलके है उसके। और उस छिलके को थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा उसमें नमक डाल के मिक्स करके एक कांच की बोतल में भर दीजिएगा और फिर 2-3 दिन तक आप उसको रोज सुबह उसको एक बार हिला दीजिएगा, अच्छे से अप से डाउन कर दीजिएगा। स्पून के द्वारा कर सकते हैं या वैसे ही आप हाथ से भी बोतल हिलाकर भी कर सकते हैं अगर कम है तो। अगर भूरा हुआ है तो एक बार निकाल के वापस उसमें डाल दीजिएगा। और ये जो छिलके है आप अचार के रूप में उसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको अचार खाना हो तो आप छिलके निकालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, ऑयल लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का तड़का लगाइएगा, उसमें मस्टर्ड है और फिर हल्दी है और मिर्च, ये इसका तड़का आप ये जो नींबू के छिलके उसको लगाइएगा और फिर दही चावल के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, मैं अक्सर ये करती हूँ। अभी और भी आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। अक्सर मैंने देखा है कि जब हम चीकू मिल्क शेक बनाते हैं तो जब मिक्सी में हम क्रश करते हैं चीकू मिल्क शेक, तो उसमें जो मिक्सी में जो चीकू की चिकनाई है वो उसमें लग जाती है, और जब हम मिक्सर जार जब धोते हैं तो उसको बहुत दिक्कत होती है धोने के लिए। तो ये जो चीकू की चिकनाई है वो मिक्सर जार में न चिपके और एकदम स्मूथ और अच्छा मिल्क शेक बन जाए, उसके लिए क्या करना है, आइस क्यूब्स जो है फ्रीजर में जो हम आइस क्यूब्स की ट्रे रखते हैं उसमें से थोड़े से आइस निकाल लीजिए और उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और मिक्सी में डाल दीजिए और फिर चीकू डालिए, चीकू के पीसेस डालिएगा, साथ में थोड़ा सा दूध डालिएगा और फिर उसको क्रश कीजिएगा। ऐसा करने से जो भी चीकू की चिकनाई है वो मिक्सर जार में नहीं चिपकेगी और चीकू मिल्कशेक बहुत ही अच्छा बनेगा, और स्पेशली समर में भी पियेंगे तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं, ये मैं अक्सर ऐसा करती हूँ। आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही अच्छी टिप है। अक्सर मैंने भी देखा है कि जब हम मूंगफली भूनते हैं, मूंगफली तो भूनने के बाद उसके छिलके निकालने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो उसके छिलके बहुत जल्दी निकल जाए उसके लिए एक कपड़ा लीजिएगा। कपड़ा मतलब बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। छिलके भूनने के बाद उसको मूंगफली को कपड़े में डाल दीजिएगा और फिर चारों और एवरी कॉर्नर्स, पूरा कॉर्नर्स जो है कपड़े का वो हाथ में लेके उसके पोटली के जैसा बना दीजिएगा। उसके बाद वो पोटली बनने के बाद छिलके जो है पोटली में है अंदर, उसको मसलिएगा। उसको मसलने से छिलके और मूंगफली ये दोनों अलग हो जाएगी और फिर उसको खोलने के बाद उसको एक थाली में निकाल लीजिएगा। उसके बाद उसको झटकने से आगे जो भी मूंगफली के छिलके वो आगे आ जाएंगे उसको आप हाथों से निकाल सकते हैं, या फिर एक आप छन्नी होती है उसे भी आप निकाल सकते हैं। छोटे छोटे हो गए हैं उसके छिलके तो दाग भरने की जो छन्नी होती है उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर बस थाली में दाग निकाल के उसको झटक दीजिएगा और फिर हाथ से इसे आगे जो भी छिलके वो आगे आ जाएंगे और मूंगफली वो पीछे आपकी तरफ रह जाएंगी, तो हाथ से आप जो भी छिलके है वो निकाल सकते हैं। और एक टिप है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी है और बहुत बहुत यूजफुल रहेगी। हर वक्त हमने देखा है मैंने कि जब हम मुरब्बा बनाते हैं, आमले का मुरब्बा है या उसकी चटनी बनाते हैं या उसके पीसेस हम स्टोर कर रखते हैं या पाउडर बनाते हैं, तो उसके जो बीज है बीज में थोड़ा सा आमले का पल्प रह जाता है, उसमें पूरा तो निकलता ही नहीं है, तो उस बीज को आप फेंकिएगा मत। जब भी आप आमला यूज करें, जब बीज हो आपके पास तो आप
वो बीज को आप उबाल लीजिएगा प्रेशर कुकर में, और फिर उसके जो पल्प है वो निकाल लीजिएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। वो पल्प निकलने के बाद उसमें से थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिएगा और स्टोर कर दीजिएगा फ्रीजर में। जब भी आपको जूस पीना हो आंवले का, उसमें निकाल के पानी में वो पल्प है, शुगर का वाला पल्प है, वो आप पानी में डाल सकते हैं और मिक्स करके आप आंवले का जूस का पी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मैं ये अक्सर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मेरे जो ये टिप्स है, छोटे छोटे टिप्स है, आपको बहुत काम आएंगे, और एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, और उसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। रसोई के रहस्य का लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का ये एपिसोड यहाँ तक, हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य। आओ मिलकर खोले।